वेलकम टू फ्रेंड्स SNI टेक्नोलॉजी। SNI टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि वर्ड के कोई भी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हम पहले वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इसके बाद इस तरह से कुछ आएगा। इसके बाद हम ऑफिस बटन में जाएंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ऑफिस बटन में इसके बाद जाएंगे। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद पासवर्ड टाइप करने का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर हम अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे। तो चलिए पासवर्ड टाइप करते हैं, फिर ओके कर देंगे। फिर से रिमेंबर पासवर्ड फिर से मांगेगा, तो उसको फिर से दे देंगे कन्फर्म करने के लिए। तुमने कर दिया, फिर ओके कर देंगे। फिर ओके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट हो चुका है, इसको अब सेव कर देंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से इनक्रिप्ट हो चुका है। अब इसको क्लोज करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, जिसको लॉक किए थे। चलिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। देखिए, जब इसको ओपन किए तो ये पासवर्ड मांग रहा है, यानी ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब हमने जो पासवर्ड डाला था वो डालेंगे और ओके करेंगे। देखिए, खुल गया। और फ्रेंड्स, इसी बार फिर से हम पासवर्ड हटाना चाहते हैं, तो फिर से वही जाएंगे क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में। वहाँ जाने के बाद फिर से पासवर्ड को यहाँ पे हटा देंगे और फिर ओके कर देंगे और फिर सेव। तो फ्रेंड्स, हमारा पासवर्ड हट चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको क्लोज की, फिर जाके उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपन हो गया, इस बार पासवर्ड नहीं मांगा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।